सड़क हादसे लगातार कीमती जाना लेंदे हुए नजर आ रहे ने ते मुड़ तेज रफ्तार दा कहर वेखण नूं मिलिया जिसने 10 लोकां दी जान लै ली। किथे वापरिया है भयानक सड़क हादसा दसदे आं इस रिपोर्ट दे विच। रफ्तार ट्रक ने पिकअप नू जोरदार टक्कर मार दिती। इस दे विच पिकअप दे विच सवार 22 दे विचों 10 लोकां दी मौत हो गई। मरण वालिया दे विच 3 लड़कियां, 4 महिलावां अते 3 पुरुष शामिल ने। 12 जख्मियां दा हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है। सारे इको परिवार दे सन। घटना भगतपुर थाना खेतर दी दसी जा रही है। लोकां दीआं चीकां सुन के आस पास दे लोक भी मौके दे वल पहुंच गए। घटना मुरादाबाद के भगतपुर थाना खेतर की दसी जा रही है। लोगों दीआं चीकां सुन के आस पास के लोग भी मौके पर पहुँच गए। सूचना मिलन पर पुलिस भी मौके पर पहुँच गई तो सारिआं नूं कार दे विच्चों बाहर कर दिता गया। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई सी, जबकि 6 की इलाज के दौरान जान चली गई। हादसे की सूचना मिलदिया ही SSP जख्मियों का हाल चाल पहुँचने के लिए जिला हस्पताल दे विच पहुंचे। भोजपुर थाना खेतर के कोर बाकू पिंड दे विच रहन वाली अवास की भैन मनसर जहा की एक बेटी और एक बेटा सी। इस दे विच शामिल होने के लिए अवास अपने भरा शबीर और छोटे हाजी के परिवार के नाल पिकअप के राही रामपुर के तोपखाना दे विच स्थित फीजा मैरिज हॉल दे विच जा रहे सन। पिकअप दे विच औरतां अते बच्चियां दे समेत करीब 22 लोग सवार सन। दुपहर 1:30 बजे दे करीब दलतपुर रोड ते पिंड खेड़ खेटा दे नेड़े उल्ट दिशा तो आ रहे एक DCM ने सामने तो आ रही एक पिकअप नूं टक्कर मार दित्ती। टक्कर हुंदे ही DCM अते पिकअप दोवें सड़क दे किनारे पलट गए। इस हादसे दे विच 18 लोकां नूं बचा के जिला हस्पताल लियांदा गया। उत्थे इलाज के दौरान 6 लोगों की जान चली गई। बाकी गंभीर जख्मियों नूं हस्पताल ले जाता गया जिथे उन्हों का इलाज चल रहा है। SSP ने दसिया कि 18 लोगों नूं जख्मी हालत दे विच जिला हस्पताल लियांदा गया, जिन्हों दे विचों 6 लोगों की हस्पताल दे विच मौत हो गई अते 4 की मौके पर ही मौत हो गई सी। जख्मियों के इलाज के लिए हिदायतां दित्तियां गईयां ने। चश्मदीद ने दसिया कि पिकअप डोगरपुर तो दलतपुर वल जा रही थी। दसिया जा रहा है कि ट्रक वाले का यह सारा कसूर सी, वह गलत पासे तो आ रहा सी ते सड़क तंग होने के कारण ट्रक के ड्राइवर ने तेज रफ्तार साइड लैन की कोशिश की, जिस दौरान पिकअप की टक्कर हो गई। इस दे विच 10 लोगों की मौत हो गई है।